नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस ह्यूमिडी स्टैट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली ह्यूमिडी स्टैट जो होता है, हवा में जो नमी होती है या ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ह्यूमिडी स्टैट बताया है वो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ऐसे जगह पे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहाँ पे कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे का एरिया है और वहाँ पे नमी ज़्यादा करके ज़्यादा होती है हवा में, तो ऐसे वक्त में उस नमी को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए जो अरेंजमेंट होती है वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में बताइए। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है एक ह्यूमिडी स्टैट है जो नमी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसमें एक बेसिकली क्या होता है, एक होता है मॉइस्चर सेंसिटिव एलिमेंट होता है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज मॉइस्चर सेंसिटिव एलिमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बाल होते हैं ना, हेयर होते हैं, तो बाल जैसे पदार्थ जो यहाँ पे लगाए जाते हैं या फिर नायलॉन भी हो सकता है जो मॉइस्चर को सेंस करता है। ओके, ऐसे एलिमेंट जो है वो एज अ सेंसर यहाँ पे लगवाए जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हेयर का, तो हेयर एक अच्छा जो है सेंसर है। जब भी हवा में नमी बढ़ती है तो हेयर जो है वो ऐसे एक्सपांड या ऐसे एक्सटेंड हो जाते, फैल जाते, और जैसी नमी कम हो जाती है तो एयर जो हमारे जो हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, क्या हो जाते, श्रिंक हो जाते हैं। मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होने के टाइम में ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे, मॉइस्चर हवा में अगर कम होगा तो ये सिकुड़ जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सपांड हो रहे हैं और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वालिटी होती है हेयर में, दैट इज़ वाई इसमें जो हेयर जैसे जो पदार्थ एलिमेंट जो है एज अ सेंसर यहाँ पे लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक बॉबिन मतलब एक रोल नज़र आएगा जिसके ऊपर ये जो है एक टेंशन से बांधे जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक लीवर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे स्क्रू है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेंशन मेंटेन करते हैं। अब मान लो ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे हम लोग को 60% इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए, RH लेवल क्या चाहिए 60%। तो हम इस तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी इसको सेट कर देंगे मशीन में, उसमें नॉब होते हैं, नॉब में आप ह्यूमिडिटी को सेट कर सकते हो। ओके, तो जब 60% ह्यूमिडिटी होगी तब क्या हो जाएगा, तब तक तो ये सब मशीनें सब सही तरीके से चलती रहेगी। जैसे ही ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा हो जाएगी, ओके, नमी जो है 60 से मान लो 65% हो गई, 65% मतलब 5% RH क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैंने बताया ये जो सेंसर होता है, वो सेंसर क्या हो जाता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब ऐसे फैल जाता है। तो इसके स्ट्रेचिंग के कारण, इसके फैलने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। टेंशन कम हो गया तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग इस लीवर को पुशअप कर देगी इस डायरेक्शन में। ओके, ये स्प्रिंग क्या करेगी, लीवर को पुशअप कर देगी, क्योंकि यहाँ पे अभी जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है कम हो गया, ये लूज़ हो गया। ओके, ये जो सेंसर जो बंधा हुआ है ये क्या है, लूज़ हो गया। तो अब ये स्प्रिंग जो है इस लीवर को पुश कर सकती है और ये लीवर पुश हो जाएगा, और लीवर पुश होने के बाद ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट ज्वाइन हो जाते हैं तो यहाँ से करंट जो है वो किसको चला जाएगा, ड्यूमिडिफायर को। ड्यूमिडिफायर एयर कंडीशनर जैसी मशीन होती है जो हवा को ठंडा करके हवा में से पानी जो है उसको अलग कर देती है, मतलब नमी को अलग निकालती है। तो उसका सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद ड्यूमिडिफायर जो है, जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है, उस एक्सेस ह्यूमिडिटी को हवा से निकाल के रूम के बाहर निकालने का काम शुरू कर देगा। जैसे ही अगेन जो ह्यूमिडिटी है 60% पे आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि ड्यूमिडिफाई कर दिया ना तो ह्यूमिडिटी कम हो गई, जैसे ही ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी जो ये सेंसर है, सेंसर फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक मतलब ये फिर से सिकुड़ जाएगा। ओके, सिकुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा तो ये लीवर जो यहाँ पे आगे आया था ना, अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फिर से ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एज श्रिंक होने के बाद में अब ये जो लीवर है फिर से इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे पहले इस डायरेक्शन में घुमा था, अब ये श्रिंक होने के बाद में फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब फिर से एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे और ये जो पावर सप्लाई जा रहा था ड्यूमिडिफायर को वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब भी ह्यूमिडिटी आपकी जो सेट ह्यूमिडिटी आ जाती है तो ड्यूमिडिफायर को इस तरीके से डिसकनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ह्यूमिडिस्टैटिक एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ह्यूमिडिस्टैटिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर भी करता है और साथ में क्या करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। जो सेट ह्यूमिडिटी है उसको उसके हिसाब से एक क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। सेट ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के बाद ड्यूमिडिफायर या फिर ह्यूमिडिफायर,
यहाँ पे ड्यूमिडिफायर यूज़ किया हमने, कई जगह पे ह्यूमिडिफायर भी होता है, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है तो ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। तो जो भी जैसी भी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आइदर वहाँ पे ड्यूमिडिफायर लगाए जाते हैं या फिर ह्यूमिडिफायर लगाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमने माना है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है, ड्यूमिडिफायर की ज़रूरत है, दैट इज़ वाई यहाँ पर ड्यूमिडिफायर लगाया है। कहीं कहीं पे क्या होता है ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि कोई जगह समुद्र किनारे से दूर है तो ऐसी जगह पे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, 20% 25% ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ऐसी जगह पे ह्यूमिडिटी बढ़ाने की ज़रूरत है तो ऐसी जगह पे ह्यूमिडिफायर लगाए जाते हैं। और जब भी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जैसे कि ह्यूमिडिटी मान लो कहीं पे 25% हो गई, ओके, तो ये ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट से कम है, तो ऐसे वक्त में ये जो ह्यूमिडिस्टैट है वो किसको चालू कर देगा, ह्यूमिडिफायर को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ड्यूमिडिफायर की जगह पे वहाँ पे ह्यूमिडिफायर होते हैं और ह्यूमिडिफायर जो है हवा में पानी को ऐड करते हैं या फिर पानी की भाफ को ऐड करते और नमी को जो है फिर इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमिडिस्टैट जो है नमी को कम करने के भी काम में ही आता है, मतलब ड्यूमिडिफायर यूज़ करके वो नमी को कंट्रोल करता है या फिर ह्यूमिडिफायर यूज़ करके भी नमी को बढ़ा के कंट्रोल करने का एक लेवल में लाने का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।